सुर से सा
और उपदेश सदगुरु भक्ति और सत्संग का जो के मुख अपाव प्राप्ति मेहर और दया का है। आज शनिवार का दिन पौ महीने की संग्रांत का दिहाड़ा गुरु दरबार वालों सब संगतां नूं लख लख वधाई होवे जी। पुस महीना जाड़ा भारी कर्म भरम जो पुस जला कारयोग श्री जोर गुरु महाराज जी की प्यारी सात संगत जीओ गुरु महाराज स्वामी जी महाराज ते होर जितने संत महात्मा इस संसार ते आए ने मनुष्य जन्म का रेफरेंस दे के जेड़े जीव जन्म जन्म तो इत्थे भटक रहे ने उन्हां नूं मनुष्य जन्म का इशारा करते हुए उपदेश देंदे ने कि सजना बड़े समय तो तू इत्थे आया हुआ ते अजे मालक नूं मिलन दी तेरी वारी बनी नहीं। इत्थे आया तू किसे काम से ते काम कोई होर आरंभ लिया। ये तेरा मजदी मकान नहीं तेरा जद्दी मकान सचखंड है सत लोक है जिथे तू किसी समय उतर के इस मृत मंडल ते आया। हुण बार बार महीनिया का जिक्र करते ने दरअसल मनुष्य जन्म का ही रेफरेंस देंदे ने। पूस महीना जाड़ा भारी भई अजकल दे महीना जेड़ा पौधा है रजाइया ना भी डंग नहीं लैंदा कंबल शंबल ना तो की बनना कहते बड़ा भारी सर्दी लगती है। इस मनुष्य जन्म में कर्मों का इन्ना जाड़ा लगे हुआ है कि इत एक मिनट भी टिकना पै नहीं पाया। किस तरह कहते इस महीने के जेडे सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं पूरा सतगुरु उपदेश करता है कि कर्म इस तरह सड़ जाते हैं जिमें असी फूस में अग लगा देंगे मगर कदों जब पूरे सतगुरु का नाम मिल जाए और सत्संग के जरिए सानू प्रेरणा हो जाए कि असी इस देश के दे
वासी नहीं, असि सचखंड के वासी इतने टैंपररी आए से इतने आ गए। काल ने साडी मत प्रेरणा करके कम्मा कारा च कर्म च लगा के सानू नीचे तो निचलिया जोनिया विच उतार दिता। बड़े भागा नाल कते मनुष्य जन्म मिली और इस जन्म दे विच आके सत्संग की प्राप्ति सतगुरु पूरे ने की और उहदे विच दस्या के नाम की वस्तु है जिदे जरिए तू इस मृत मंडल तो उस शब्द की डोर नू फड़ के सचखंड जाना है। हुण जद तक असी सचखंड जाण वाली डोरी नू पकड़दे नहीं उतनी देर कर्मां दा जिहड़ा फूस कटा होया ढेर है वह जलदा नहीं सड़दा नहीं। जिवें असी सर्दी नू दूर करन लई घास फूस कट्ठा करके उन्हूं तीली ला दिंदे आ उह सेक दा सहारा बनदे है। इस तरह ही नाम दे नाल जद जुड़ांगे साडी सुरत जुड़ेगी उहदे नाल सानू नाम दा सहारा मिलेगा, सतगुरु का सहारा मिलेगा और साडे जिहड़े कर्म फूस तरह सड़नगे। स्वामी जी महाराज दी बाणी लै लो, गुरु महाराज साहबान दी बाणी लै लो, क्योंकि गुरबाणी भी पहली पातशाही तो लैके पंजवीं पातशाही तक उच्चारण कीती, छेवीं पातशाही दी कोई बाणी नहीं, सतवीं दी बाणी ने कोई युद्धां च लगे रहे, सतवीं दी कोई बाणी नहीं, अठवीं पातशाही 9 साल की उम्र च इस संसार नू छड़ गए, नौवीं पातशाही शहीदां दे सरताज गुरु तेग बहादुर जी दी विरागमई बाणी गुरु ग्रंथ विच आई, दसम पातशाही ने अपनी बाणी चढ़ाई नहीं, क्योंकि वो यही समझते रहे कि साडे बुजुर्ग जो गुरु साहबान की हैसियत संसार विच उपदेश करते रहे उन्हां दी बाणी दे नाल साडी बाणी पूरी नहीं उतर सकती। असी अपने बुजुर्गों की थां ते अपने आप नूं नहीं समझ सकते। बड़ा कुछ उन्होंने बाणी विच किया, उस बाणी नूं आ जिहड़ियां असी नितनेम दियां बाणियां जिस तरह अरदास है उहदे च चौपाई वगैरह आउंदी है, होर बाणियां जाप साहब है वह आउंदा है, वह नितनेम बाणी शामिल कीती गई, मगर उन्होंने अपनी बाणी नूं वह स्थान दिता नहीं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नूं गद्दी स्थापित किया गया, 11वीं गद्दी मनी गई। बहुत सारे लोग मनते भी नहीं, कुछ लोग जिहड़े मनदे आ उह दूजिआं नूं क्रिटिसाइज करदे ने कि तुसीं सिख ही नहीं, तुसीं गुरमुख नहीं, मगर ये डिस्पैरिटी का मजमून असीं इत्थे लैणा नहीं क्योंकि साडा पॉलिटिक्स नाल कोई तलक नहीं। असीं अपनी आत्मा नूं सचखंड लैके जाणा है, संतां दी जो मुखारबन तों वचन निकलदे ने उहनां नूं पकड़ के असीं सचखंड जाणा है, वरना मन मत दे जरिए जो डिस्प्यूट बाहर ने उसके जरिए होर फैलाओ बाहर हो जाएगा। किसी महात्मा ने कहा ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ कहता पर बंदे का दिल ना ढाई रब दे विच रहिंदा। हुण साडे मन दे अंदर वह मालिक रहिंदा है मगर पता लगता नहीं, कदों पता लगेगा जो पूरे गुरु की शरण च जावांगे वो दसेगा कि तेरे अंदर ही है। ह्यूमन बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड, भाई तेरे अंदर ही खुदा रहिंदा है, आ जिंदा खुदा का घर है, इन्हां कमरिया वाला जिहड़ा मंदिर मस्जिद है इहदे च नहीं रहिंदा, वो इहदे अंदर रहिंदा है। थोड़ा अभ्यास करना पएगा, पूरे गुरु की शरण जाना पएगा, वो तैनूं उपदेश करनगे दस देणगे सत्संग दे विच कि किस तरह उन्हें मिलना है, किस तरह उसकी प्राप्ति करनी, किस तरह तेरा कर्मां दा जो एडा वड्डा ढेर तेरा जमा हो गया जन्मां जन्मां तो उन्हें साड़ांगे किस तरह। मनुष्य जन्म पूस महीना पौधा महीना मनुष्य का जन्म है, कर्मां दा ढेर कट्ठा होया उन्हें साड़न का यतन दसनगे कि किस तरह उन्होंने साड़ोगे। एवं सड़ नहीं सकते जब तक वो विधि अपनावांगे नहीं, तां ते गुरु महाराज की बाणी नूं स्वामी जी महाराज की बाणी नूं उस सत्कार नाल जो गुरु महाराज ने बाणी उच्चारण की 1430 पन्निया दे विच एक दी उपमा दे विच 1430 पन्ने लिख दिते गए, मगर एक दी उपमा अजे भी पूरी नहीं हुई, अजे उते भावें एदू वड्डे ग्रंथ लिखे जा सकते। हिंदुस्तान दे अंदर भारतवर्ष दे अंदर धार्मिक साहत इतना जबरदस्त पिया है कि जितने ऋषि मुनि आए उन्होंने कुछ ना कुछ अपना तजर्बा बयान किया,
चार वेद रचे गए, 18 पुराण रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 9 व्याकरण रचे गए, होर ग्रंथां दा सिमरतियां जिहदा कोई अंत ही नहीं, इन्ना कुछ लिखा गया। स्वामी जी महाराज ने एक जगह इशारा भी किया कि अगर जिज्ञासु है उहदे मन दे विच मालक नू मिलन दी तमन्ना पैदा हो गई है, उहनू साहित लिखण विच अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जाना तो अंदर है, ना कि उस थ्योरी नू बाहर ही डिस्कस करी जाना। ये थ्योरी सिर्फ सानू जिज्ञासु बनन वास्ते एक गाड़ी राह लिख दिता कि इस राह ते तुरन लई बई पूरे सतगुरु की शरण लेनी पेगी, पूरे सतगुरु की बाणी का अध्ययन करना पेगा, उहदे च रस्ते लिखे हुए ने कि अंदर किवें चढ़ोगे किवें जाओगे। साडी आत्मा की बैठक जड़ी है तीसरे तिल ते अखां दे पिछले पासे। संत महात्मा हमेशा अपना ख्याल जदों सत्संग च दिंदे इत्थे जोड़दे। इस वक्त असीं सारे ही उस बाणी नू उस उपदेश नू संतां दे नू इत्थे बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि आत्मा की बैठक है। जब असीं किसे नाल गल करदे उस वक्त एड्रेस करन दे समय साडी आत्मा इत्थे आके बैठती है। जे साडा ध्यान इस पॉइंट तो कदे हिल जावे इधर उधर हो जावे तो वह कुछ कही जांदा है। असीं एबसेंट माइंडेड होने के कारण साढ़े वह गल पले नहीं पैंदी। तुसीं रोज ही देखते हो दुनियावी कामां दे विच, फिर असीं की कहने भाई की कहा सी जरा फिर कहीं, उहदा मतलब असीं उस पॉइंट तो एबसेंट है, उत्थों परे गए हुए हैं। जब तक असीं अपने ख्याल नूं एकाग्रचित करके उस पॉइंट ते आत्मा की बैठक ते जमा नहीं करते उतनी देर साढ़े पले कुछ नहीं पाता। यही संत महात्मा बार बार उपदेश करते हैं कि सुरत शब्द मार्ग के बारे जो कुछ भी सुनना कहना है भाई उन्हू इथे ध्यान रख के ही ग्रहण करना पाएगा, इथे अभ्यास करना पाएगा, आत्मा इथे खड़ी करना ताहे पले कुछ पाएगी। असी सिमरन करते हैं, मन वाइब्रेट करता है, जब तक मन आत्मा का साथ नहीं दिता दोनों कट्ठे होके उस सिमरन अध्ययन च नहीं लगते उन्ना चिर कुछ पले नहीं पाएगा। घंटा दो घंटे अद्धी रात सारी रात भी क्यों ना बैठ जाइए, सवेरे उठते को पले नहीं पिया। भाई मैं गुरु महाराज के वचना का सदका इस गल नूं दावे ने कहना कि अगर अद्धा घंटा भी पूरी कंसंट्रेशन दे नाल बैठा जाए कोई वजह नहीं भी सतगुरु दर्शन ना दे दे, कोई वजह नहीं सुरते दी अंदर ना सिमट जाए। करके देख लो, ये करने का भेद है नहीं बुद्ध विचार, स्वामी जी महाराज ने कहा ये करने का भेद है, ये बुद्धि के विचार नहीं। अगर बुद्धि के फीते ने इनू मनोगे वो लग ही नहीं सकता, वो उसकी डायमेंशन इन्नी उच्ची लंबी चौड़ी है कि ये उत्थे लगती नहीं, पूरी नहीं आती। असी मन के जरिए ही जेड़े ख्याल साढ़े समझ के मुताबिक सानू लगते भी ये ठीक है उन्होंने मन के बैठ जाने। जे कोई कहता भी लॉजिकली कि ये गल ठीक नहीं गुरमुखा जरा इस गल नू विचार कर, तो ये मनता ही नहीं, यदा ये तू तेन पता ही नहीं है मैं जो कुछ मेरे जिडा कोई सियाणा नहीं इस दुनिया के उत्ते। आम कहावत है कि अपनी अकल बगानी माया सब तो वड्डी नजर आउंदी है, बगानी माया नजर आउंदी है। भी आ सरदार जिहड़ा एक बैठा ना कुलदीप सिंह आ पेटी जी दे कोल रोज आउंदा, इहदे कोल पता नहीं किड्डा धन है, भावें उह बेचारा मेहनत करके गुजारा करदा होवे। ये अपनी अकल इन्नी वड्डी नजर आउंदी है कि सारा संसार मूर्खां दा, मेरे जिन्ना कोई सियाणा नहीं। जब तक असी गुरु महाराज का इस वचन मानते नहीं, गुर की मत तू ले आने तख्त बना डूबे बहुत सियाने, बड़े बड़े सियाने डूब गए, तू अपनी मत सिट जा गुरु कहना इत मेरे को सिट जा मेरी लै जा, फिर तू देख तजर्बा करके भी तेनू मालक तेरे अंदर मिलता है कि नहीं। मगर असी मनन तैयार नहीं, क्योंकि साड़ी मत असी प्रदान कर रखी, मन चौधरी साडा बनया हुआ है। लेकिन जब तक मन मरदा नहीं, मन ही काल का नैगेटिव पावर का एक इन्ना सिंसियर दोस्त है, एजेंट है कि वह पूरा पहरा दिंदा है। वह कहता है भी किसी आत्मा नूं अंदर वड़न नहीं देना, यह ड्यूटी उहदी लगी हुई है कि कदे घेर घूर के ये जे सुरत नूं इत्थे लियाना चाहे उन्हूं हिट मार देना, जदों नूं मुड़ के आऊ उदों नूं फिर मार देना। तां ते असी कहना मन दे मनदा ही, मन का कहना मनन करके सानू वह गल प्राप्त नहीं होंगी। असी फिर उस पॉइंट ते जदों नेड़ आउण लगदे उदों इनडायरैक्ट या डायरैक्ट किसी तरह भी
वो ऐसा जबरदस्त हिट मारदा सानू फेरा गुमराह हो जाता है। जदों असी फेरावे उदन फिर प्यार आ, क्योंकि जब तक संतां दे कहन दे मुताबिक वो करनी धारण असी नहीं करांगे उतनी देर तक सानू राह नहीं मिलेगा। जब तक इत्थे नहीं आवांगे राह कैसे मिलेगा? राह तो इत्थों उपर चढ़ाउंदा है, आकाश मार्ग दा है, मगर असी मन नूं नीचे अखां तो उतार के कदे कन्नां दे राह ते, कदे नास दे राह ते, कदे मूंह दे राह ते, कदे इंद्री गुदा दे रस्ते ते फिरदे तुरे फिरदे हैं। ते अंदर प्राप्ति किसे होवे कैसे होवे? जाना तो आकाश मार्ग नूं सी, गिर रहे असी नीचे नूं। रस्ते दुने अमृतसर जाना है, वो तुरिया जांदा दिल्ली दे रस्ते ते। ਬਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੈ। ਦੋ ਪੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਇੰਡਲਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਈ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਸੜਨਗੇ? ਉਹ ਫੂਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਆਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਫੂਸ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਟ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨੀ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਸੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਾੜੇ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਠੰਡਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੂਸ ਇਕੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤੀਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਵਰੂਪ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਲ ਜਲ ਟੇਰ ਹੁਆ ਜਬ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਨ ਸੇ ਤੁਰਤ ਉੜਾਰੀ ਜਲ ਜਲ ਟੇਰ ਜਬ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਨ ਸੇ ਤੁਰਤ ਉੜਾਰੀ। ਬਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨ ਫੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੁਆਤੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਤ ਉੜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਢੇਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
कर्मां दा घास फूस कहिंदे इउं उड़ गया उह जदों प्रेम रूपी हवा चली कि उहदा पता ही नहीं लगे किधर गया। हुण इह इक करनी दा मजमून है, जद तक करनी करदे नहीं नाम दे नाल जुड़दे नहीं उतनी देर उह जिहड़ा सुआह है कर्मां दी जिहड़ी नाम ने जला के सुआह कर दित्ती उह नहीं उड़ेगी उतनी देर जितनी देर प्रेम उत्पन्न नहीं होएगा जी। मोसीतन चित को गेरा सूर विवेक किया घट फेरा। हुन मोह दा सीत जड़ा इनू लगे हुआ कने इनू घेर लिया चार छपेरे मोह च फस गया वो जाड़ा लगे पै फूस तक किधर सड़ना सी उत्थे जड़ा विवेक है विवेक दा सूरज जड़ा है उस वक्त उन्हें पुरुषार्थ किया सतगुरु की दया कृपा द्वारा उस विवेक नू भेजिया इनू भी इहदा जाड़ा जड़ा लगे है वह हट जाए। सतगुरु ने आके सत्संग दे विच फरमाया कि तू भी प्रेम उत्पन्न कर फिर तेन विवेक वराग जागेगा और सतगुरु का नूरी स्वरूप इत तेन मिलेगा फिर तेरे कर्मां दी एक सकिंट सुआह हो जाएगी और उनू जड़ी ओ पवन है उड़ा के ले जाएगी फिर तू फ्री होएगा। जी तो तू ढेर थले दबिया पे तेरी निकलने का कोई चांस नहीं है जी। फेरा करत भगत गुर जागी सुरत भाई अनहद अनुरागी। जदो विवेक रूपी सूरज चढ़िया गेड़ा उन्हें लगाया कहते सुरत जाग पी फिर की होया उस सुरत नो अनंत शब्द का भेद लग गया अनुराग हो गया उदा प्रेम उत्पन्न हो गया कि मेरे अंदर अनुराग मेरे अंदर अनंत शब्द हो रहा है। मैनू स्वामी जी ने गुरु महाराज ने पूरे सतगुरु ने जो ये परंपरा चलाई है उदे जरिए ही इनू जगाया सुरत नू कि तेरे अंदर इन्ना कुछ आनंद राग हो रहा तू उन्हू छड़ के तू उस फूस दे कर्मां दे फूस थले दबी पई है उन्हें जगाउण वास्ते कार्य शुरू किया जी। राग पोग सब दूर निकारा विमल रह राग समारा। जेड़ा राग द्वेष दे अंदर सी दूर भाव सी कहंदे उड़ा दिता फिर इन मालिक ने अपने नजदीक लिया शुरू कर दिता मालिक ये नेड़े आ गए इन्हें की होना सी उदी दया आई दया दे जरिए उन्हें विवेक दे अंदर पैदा कर दिता उदा सूरज चढ़ा दिता फिर इन विवेक हो गया ज्ञान हो गया कि सतगुरु मेरे अंदर जो नूरी स्वरूप हर समय रहमत की वर्षा करता है उदे नजदीक आना शुरू हो गया जी। सहज जोग गुर दिया बताई सुरत शब्द मारग लखवाई। सहज योग दस्या संतां ने हठ योग नहीं दस्या किते भी किसी संत ने हठ योग जिन्हें भी हठ योग किया वो फेल हो गया क्योंकि किन्ना चिर करेगा हठ हठ नाल अखीर देह खत्म हो जाएगी अंदर तो चढ़ाई नहीं होगी। कहिंदे जिस वक्त सुरत शब्द का मार्ग दस्या सहयोग कहिंदे उस वक्त इहदी पोजिशन बदल गई फिर अंदर वो जाग पिया अनुराग भी जागे सब कुछ जाग गया और फिर इहनू मालक नू मिलन की चाह पैदा हो गई क्योंकि विवेक हो गया इस गल का संतां ने दस दिता कि तेरे अंदर सब कुछ है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी ये संसार को पया मोतिया दिंदा। हुण उहने विवेक दे नजदीक लियांदा और इहदे अंदर चानना शुरू कर दिता कि तेरे अंदर आए जी। इने सुरत रूप नहीं दर से थजना नहीं उदे जरिए तेनू शुभ कर्म दे बदले तेनू स्वर्ग बकुंठ मिल सकदे मगर मालक ने नहीं मिलना।
ओदी कड़काई तेन होर समा वध लग जाएगा क्योंकि उत्थे तू जाके फिर मालक नूं भुल जाना उत्थे तू उसे राग रंग मस्तियां दे विच फस जाना तू फिर नहीं निकलना। इस करके सहयोग फड़े तो बगैर उतनी देर ना हठ काम करदा ना तीर्थ काम करदे ना होर क्रिया काम करदी है जी। सोन शेखर जाए रूप दिखाना गगन मंडल के पार ठिकाना। जदों सुरत नूं संतां ने उपदेश कर दिता उस राह ते लगा दिता दस दिता कि तेरे अंदर इस तरह शब्द हो रहा तो इनकार तू इस तरह जुड़ जा कर उहदे नाल फिर रूह जागी उठी ते दस दिता है भी तेरा गगन मंडल तो पार ठिकाणा है तू उत्थे जाना है। इत्थे कितें माड़ी जी को आवाज सुन भी एवें नचण लग जी कि मेरे अंदर मालक आ गया मैं खुदा कहना ना शुरू करी अजे ओ तो कुछ नहीं बनिया अजे तेरे अंदर सतगुरु का नूरी स्वरूप भी नहीं आया। जब तक उस रूप नहीं आता वो सार शब्द ने खुलना नहीं भला तू लोगों नू डौंडी पटदा तुरा फिरे वो होमें की बीमारी है क्योंकि जीरन रोग अनपच रोग है तेरे अंदर आया तो कुछ भी नहीं एवं कितने सुपने के सुते तो इन कितने कोई आवाज सुन गई घंटे की या संख की सुन गई तो तू आखे भी मैं खुदा मैं उस मालिक नाल जुड़ गया अजे तेरी गल कोई बनी नहीं तेरी सुरत जागेगी वो नूरी स्वरूप तेरे अंदर आएगा फिर तेन पता लगेगा भी तू जाना कित्थे है तेरा असली टिकाणा किधर नूं है गगन मंडल तो पार ठिकाणा कहिंदे है स्वामी जी महाराज कहिंदे उह दुगां जाणा तू अजे तो तू उत्थे तुरना ही शुरू कीता अजे तो तू बच्चा है गिर जाएगा तू उंगली फड़े सतगुरु तू प्यो दी उंगली फड़े तो बगैर तू मेले दी तू सैर नहीं कर सकदा तू जी। रूप शरत का दर्शा ऐसा बिन अनुभव क्यों कर कहूं कैसा। भी सजनो सुरत दा कहंदे रूप वेख्या जिस वक्त कहंदे वो मैं तुहानू अनुभव च ले जाए बगैर या तुसी अनुभव च जाके वेखे तो बगैर मैं उहदा बयान करके की दसा भी वो अनुभव कैसा है उहदा कैसा रूप सुंदर है उहदे वर्गा इत्थे कोई भी नहीं। तरनताल एक साधु सी उहनूं अंदर जोत दिसी बाजार च तुरिया फिरिया भी इहो जिहे रंग लैके मैं बना के कागज ते दसदा भी उह कैसा रंग है उह कोई रंग ही नहीं मिलिया जिस रंग है किसी दुकान ते जाए रंगा वाली ते वो रंग नहीं मिले मुड़ के आ गए कहना ना भी वो रंग है दी वो नहीं बन सकती वो तो अनुभव जी जड़ा दर्शन होया उत्थे हो सकता बार नहीं है जी। अनुभव शिव जाना जाई शब्द बिना अनुभव नहीं पाई। हुण कहिंदे अनुभव च उहनूं जाण सकदे हो ते शब्द तो बगैर अनुभव नहीं हो सकदा दोवें गल्लां इंटरलिंक्ड ने। जब तक सुरत शब्द नूं फड़दी नहीं उतनी देर अनुभव नहीं खुल सकदा अनुभव तो बगैर वो गल दिस नहीं सकदी। फिर एक आधी डेंग मारन लग जांदा माड़ी जी तां गल अजे होई भी नहीं साधु की दया अपनी कमाई के जरिए कुछ इन उठा उपर विखा कदे कुछ विखा कदे कुछ विखा भी तकड़ी हो जाए। सुरत जिस वक्त अंदर जाती है और वह बिजली तरह जे चमक पवे एक बारी ये पुठा होकर डिग जाता ये जे सहत शक्ति नहीं अजे तो बच्चा है कल का उस जिथे करोड़ा सूरजों का प्रकाश है उन्होंने कैसे एक सूरज में तो असं वेख नहीं सकते उन्होंने किमें वेख पावे तां ते सत्संग दे विच सतगुरु की दया लैके ही इन्हें शक्तिवान बनना एवें अंदर टिक ही नहीं सकता। जे कोई कह दिंदा है माड़ा मोटा सतगुरु की दया है भी तू चौंकड़ी मारा कर इत्थे ध्यान मस्तक च करा कर उत्थे अनहद राग हो रहा सुरत नूं उहदे नाल लगा अगे तैनू नूरी स्वरूप मिलू फिर तू गगन मंडल दे पार जाना। जे सतगुरु दया कृपा करके कते इहदे अनुभव विच दी लंघ जांदा है झलक मार जांदा है ये फुलिया नहीं समाउंदा भी मैनू सतगुर मिले सी
वो तो अपनी दया के जरिए मिल गए, यदि करनी कड़ी हुई कोई बना बनी। जब तक जागृत अवस्था दे विच असी साड़ी सुरत का समटा पैर दे गुठे तो इत्थे तक लियाने नहीं, उतनी देर है जे उस राह का सानू पता ही नहीं लग सकता। साफ कहता स्वामी जी महाराज ने कि अनुभव तो बगैर उस गल की प्राप्ति नहीं, वो चमक मिल नहीं सकती। और वो अनुभव जिहड़ा किवें मिलेगा, शब्द दे नाल जुड़ के मिलेगा। शब्द का तो अजे पता ही नहीं लगे कित्थे है। जब तक शब्द का पता नहीं, साड़ी सुरत सहज योग के जरिए उस डोरी नू पकड़ती नहीं, उतनी देर असी इत्थे कैसे आवांगे। मन तो वाइब्रेट कर रहे हैं, मन तो असी बैठे इत्थे हैं, घर चला गया, कितने होर बाजारां च सौदा खरीदता तुरै फिरदा है, किसी होर यार दोस्तां दी सोहबत दे विच जो गल्लां होईयां वो रिपीट हो रही हैं, तो कैसे वो अनुभव दे विच गल जाएगी, बनेगी नहीं। तां ते मन नू एकाग्र चित करके सत्संग दे विच लैके आउणा, वो जो स्वामी जी महाराज दे वचन ने उहनां नू अनुभव करना, फिर उहनां नू मन दे अंदर गुणना, पढ़ना गुणना, दो गल्लां कहीआं, पढ़ना फिर उन्हें गुणना, गुणना की उसकी रेपीटिशन करनी, उन्हें प्रैक्टिकली अपने अंदर लियाना, उदे ते मन नू टिकाना, फिर असी उस वचन की पालना करना, ते खड़े होना, अपने मन नू खड़े करना। जब तक खड़े नहीं हुए, अजे मन तुरिया फिरदा है, चौंकड़ी मारी नू 15 मिनट होए है ते चौंकड़ी आदी है, मन आखण लग गया थक गया मैं, अजे तो अजे अपने घर के अंदर बढ़ना शुरू ही नहीं होया, अजे तो वो राह का गेट भी नहीं दिसिया, ते थक भी गए, कहना मैं लत्त करना सीधी, फिर कैसे गल बनेगी, अनुभव कैसे खुलेगा। उत्थे मेहनत करनी पाएगी, सतगुरु दे वचन नू फड़ना पाएगा। ये जद कद मुड़ कुड़ के वो इको ही गल जिहड़ी इहदे दिमाग च वड़ी भी, हाय माया, हाय रुपये, हाय मेरे रिश्तेदार नंग हो गए, तकलीफ हो गई, उन्हां दा कुछ सवार, इस तों बाद कोई डिमांड है किसे दी भी नहीं। महाराज जी मेरा पति उत्थे लाटरी दियां टिकटां खरीद लिया, फिर दस सतगुरु की करे, पूरा सतगुरु क्या करे, जब सिखा माई चूक, अंधे एक ने ला गई जो बांस बजाई थूक, लाउंदा तां टिकटां तां लाउंदा है लाटरी च, तो भालदा है भी मैं करोड़पति हो जा। सवेरे ही साहब दविंदर सिंह कह रहे सी भी महाराज जी कहंदे दसां दा नोट आए कढ़दा, बोलता कढ़दा ही नहीं, जे कढ़दा तो कहना मैनू लख रुपये मिल जाने चाहिए दसा दे नोट बदले। सौदा तो यह कर रहे, परमार्थ मंग रहा कोई है, जब परमार्थ मंगेगा उस वक्त सतगुरु की दया आएगी, और उस रहमत के जरिए इतने खिंच के उन्हें कर लेना, वो फिर चलेगा। अगे स्वामी जी महाराज ने कहा गुरपति बिन शब्द में पछते, तू भी मानक मूर्ख जान, गुर भक्ति जब पूर्ण हो ले तो सुरत चढ़े अदर असमान। अदर धरती तो परे आकाश मार्ग दे विच कहने सुरत उदो चढ़ेगी जद गुर भक्ति मुकम्मल होएगी। गुर भक्ति की है दसना पाएगा भी, सतगुरु ने सब तो पहला तो यह किया भाई मैं तेन नाम दिना, यह सिमन करना, तड़के उठना, दातन कुरला करना, तो मन न जूझना, अपने सतगुरु का ध्यान करके नमस्कार करके चौंकड़ी मार के बैठने ते ख्याल लाना, फिर उदू बाद भजन दे पोस्चर च बैठना 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा। कदे इन्हें किया कदे आपकी रिकनसीलिएशन बना के देखे। महाराज कृपाल सिंह दिल्ली वाले ने डायरिया क्यों लुआईया के रोज टाल मटोल करता है, जिहड़ी अज की क्रिया है वो डायरी च नोट करे भी कितने मिनट मैं परिवार च दिते, कितने मिनट विषय विकार या दुनिया च दिते। कल नू वेखू नी शर्म आएगी कि मैं कल कख नहीं किया, महीने मगरों वेखूगा भी परमार्थ दिए किन्ने मिनट लगे, सारे टोटल वर्कआउट करेगा कि इन्हू कोई पता लगेगा। हो डायरी संतां ने उहदे चो कुछ कढ़ना तो नहीं, संतां ने इहदी तरक्की लई बड़े जतन किया, बड़ा कुछ किया और करदे रहिंदे ने, हर समय आपदे दुख इन्हां दे दुख शरीर ते भी चलदे ने, मगर अफसोस के जीव दी बुद्धि चिकनी हो रही है, उहदे विच कोई गल पैंदी नहीं, वड़दी नहीं, अनुभव तो बहुत दूर दी गल है जी। सुरत शब्द दो अनबारूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा।
स्वामी जी कहने ने सुरत और शब्द दो गल ने, शब्द ना जाके लगना वो डायनमिक एनर्जी, सुरत जड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, वो सिंध है ये बूंद है, दोनों आश्चर्य रूप ने। मगर इनू की हो गया, ये कहना बई उन्दे खूह दे विच डिग्या पिया, इह उस पॉइंट ते तां मुड़दा ही नहीं जब तक अपनी आत्मा नू नहीं देखदा। कृष्ण जी ने अर्जुन नू कहा कि तू आपदी आत्मा दा दर्शन करो, वो कहना महाराज जी कैसे करा, उत्थे उन्हें उपदेश कीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरमंत्र दिता, फिर तेनू तेरी आत्मा इत्थे दिसू, जे तेनू आत्मा दिसेगी तेनू फील होएगा कि मेरा प्यो भी होना कोई, अगर मैं कित्थों आया, तेनू मेरी जरूरत पैगी। फिर वो कहंदा है भी फिर की करा, ओम नमो नारायण, फिर तू ये समझ करेगा मैं तेन विराट रूप च सब किसी चीज नजर आ जाऊ, विराट रूप तो कुतरे गया। ये कहंदा है भी उदे गुरु की चिताई हुई रूह सिख जो है उन्हें नफरत की अग नाल वेख रहा है भी ये किवें, इनू संतां ने आवाज मार ली, संतां ने सेवा इनू देती, कोई मैनू नहीं दिंदी, तो संतां का भी दुश्मन है, कोई कार्य प्रति सारे नूं तो कोई काम मिल नहीं सकता, क्योंकि वो भैंस नूं तो पट्ठे पाने नहीं, बड़ी खातर साध संगत की सेवा वास्ते वो कह देगा कि जाओ ये करो, ईरखा की अग च सड़ जाना। वो कहना ईरखा नूं इलिमीनेट कर, क्योंकि ईरखा होमें का एक हिस्सा है, पहले ईरखा है फिर जीरन है उस तो बाद दूई है, ये दूई ने मार लिया, ईरखा ने मार लिया, जीरन ने मार लिया, अजय सिख्या है नहीं बैठना। ये कहना हम महात्मा हो गए, अहम ब्रह्मा सु असमी, मैं खुदा, ये अधिकार ही नहीं है। जब तक अज तुसी वेखो थां थां ते ये करतूत हो रही है, मगर अंदरों जब तक सतगुरु का इशारा नहीं रूह नूं चुक के उपर किवें कीता जाएगा, हो सकती है कभी भी नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, नहीं होगा, क्योंकि सतगुरु ने अपनी शक्ति अपने शिष्य नूं दे के प्रभु जी वसे साधक की रसना, वो तो उसकी जीव ते बह के कोई उपदेश करदा, जीव दी कोई हिम्मत है कि कोई गल कह सके, ब्रह्म बोले काया के बोले काया बिन ब्रह्म क्या बोले, ब्रह्म तो इस काया दे पर्दे दे पिछे बैठ के जीव ते आके साधु दी ते कुछ कहंदा है, वो साधु आप कहंदा है, वो जीव दी हिम्मत नहीं, शीश का काम है कि उसके तख्त नु नमस्कार की, हे सच्चे बादशाह मैं भी तेरा है, आ संगत भी तेरिया है, कि तू दया कृपा करके इन्होंने संगत नु एड्रेस करना जो कुछ तेरा जी करता कर, ते मैनू भी आप कृपा करके आपके चरणों में जोड़ी तक, इस तो बाद तो कोई गल नहीं, ये कोई लिख के भाषण देने वाली तो कोई गल नहीं। स्वामी जी ने कहता कि शब्द बिना वो अनुभव खुलना नहीं, अनुभव तो बगैर वो जिहड़ी प्राप्ति अंदर दस रहे वो होने नहीं, तां ते शब्द दी डोर नूं पकड़ना सहयोग दे जरिए, हठ नहीं करना कि मैं अज चाहे मर जाना ते मैं तड़के चार बजे तक ना मैं हटना नहीं, भई कम कल नूं काम कौन करेगा, संतां ने तो कहा नहीं सारी रात फाए चढ़ जा, वो कहंदे तू आपदा संसारी कार व्यार कर, मगर जिहड़ा टाइम तेनूं मैं देना है उस टाइम ते उठ खड़ा कर, मैनू याद कर, और जो कुछ तेन मैं गुरमंत्र देना ओदा अभ्यास कर, ते जो तो दया आएगी मैं तेन खिंच के इत्थे कर देंगी। ए उदी रहमत दी दा सदका है, उदी दया दा सदका होना है। अगर कह मैं जोर ना जोर जिन्ना ऋषिया मुनिया ने लाया 88,000 बरस बैठ के एक पत्थर ते तपस्या की अंदर क्षमता ना होया, अगर गए तो इत कि गए उदूगा सरकी नहीं रू, तांते गुरु महाराज ने सहज योग क्या सहजे ही भगत कराई, जोर नहीं लगे आपके ग्रस्त मार्ग च रहो, गुरु महाराज का श्लोक है, पूरा होवे गुरु पूरी होवे जुगत, हसंदया खलंदया पैनंदया विच होवे मुक्त, किथे उन्होंने कहा है भी तू कारोबार छड़ के जंगलां पहाड़ां च चले जा, किते उपदेश नहीं, विचे रहो, विचे रह के अपने मन नू अपने सतगुरु नाल लगा, उस मन नू जदों सतगुरु दे नाल लगाएगा वो दया करके तेरी सुरत नू शब्द नाल लगा दे, वो खिंच के आकाश मार्ग दे विच होंदे हुए सचखंड लै जाएगा, इस तो वध कोई उपदेश ही नहीं। सारी गुरबाणी पढ़ लो, यही उपदेश है कि सहयोग दे जरिए अपनी सुरत नू चुके थे लगाना,
और अपने सदगुरु ने अंदर प्यार डेवलप करना। जब तक प्यार नहीं उतनी देर तक उन्हें आना नहीं। असी बार मुखी देख लो किसी ने दोस्त बनाने, जब तक उदे ने साडा प्यार नहीं वो तेन मिलेगा नहीं। क्योंकि कल नहीं मिले यार काम ही बड़े हो गए सी बई इथे नहीं कोई मनदा इन्नी गल तो अंदर वाला जेड़ा अगमी पुरुष है वो किवें मन जाएगा। स्वामी तुलसी साहब ने कहा एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए। एक दिल है उदे च लखां तमन्ना है अंदर तो वेला नहीं कूड़े ना भरिया पे भाई किसे तुसी कि अपने यार दोस्त नूं किसे मित्र नूं सद दे आव दे घर तुसी गेट तो धोना शुरू कर दे वेड़ा सारे कमरे धो छड़ दे उत्थे चंगी चादर बछाउंदे चंगे खाने किचन च तैयार कर दे भी आऊगा उहदे आगमन दे विच मैं उहनूं उहदे मूहरे रखूं कि उहदे वास्ते तो इधर इन्ना कुछ है जिहड़ा कुल मालक है जिहड़ा इहनूं चुक के सचखंड ले जाण वाला उहदे लई कदे कोई सोची कोई गल कदे भी ना सवाल ही नहीं पैदा होंगे भी आज इतने बाबा तुरै फिर होना पौंकदा इतने आ गए जिथे मर्जी बैठना बैठ के चला जाओ दे दो टुकड़ा जो जो मिलता है। मतलब प्यार नहीं है। जब प्यार आ गया बाबे नानक ने लालो दे जमाने टुकड़े स्वीकार कर ले। वो कद कहना मैनू हलवा पूड़ी चाहती है वो तो कहना मेरे वास्ते तेरे हिरदे के अंदर प्रेम चाहिए मैं उथे आ जाना। मैनू किसी बिल्डिंग की लोड़ नहीं मैनू किसी ड्राइंग रूम की लोड़ नहीं मैं तेरे हिरदे के अंदर आके बैठना वो साफ नहीं मैं की करा कित्थे बैठा मैं तू ड्यूटी के अंदर आके खड़ा हो। रुकन देव नाल जो गुरु नानक देव जी महाराज की वार्ता हुई है उत्थे कहंदे उच्चे खासे महल दे देवे बां खुदाए सुते नपाग ना सुन सकन रहा खुदा जगे इत्थे बांग आ रही है। फिर की कहंदे ने वो पुछदा है भी उदे रूप रंग कैसे ने क्यों जाए वो उत्थे दसदे ने बारह बुरज महल दे ते बत्ती किंगरे दसे बत्ती दंद ने साडे बवंजा किंगरे कहे बत्ती दंद ते भी नौ बवंजा आ तीन से आदे ते तीन दे छे ते इस तरह लता ने बारह बुरजा वाला महल है जिदे विच कहंदे हो रहा एक महल दो बारियां शिव शक्ति सुल्तान अभी क्या ये महल जेड़ा है इदिया दो बारियां ने ये ड्यूटी है पहले इध जाके खड़ा तो हो भी हे मालिक सच्चे पातशाह मैनू मिल ये अखां तक कदे आया कदे भी ना। जब तक ये अखां तक नहीं आउंदा उतनी देर मालिक दे तक कान ते जूं नहीं सरकने कैसे आएगा वो। यार दोस्त लई तो सब कुछ हो सकता सारा ही मकान धो के परे मारिया और इतने खाने बना ले मगर उन्हू कदे जिया तो कदरे रह गया कदे उदे नाक ही नहीं लड़ती कि मैं की कर लैंदा। एक जगह स्वामी जी ने कहा कि तेनू कदे छे महीने मगरों महीने मगरों या साल मगरों कभी ना दर्शन को मन तरसा कदे तेरा मन तरसा भी है सच्चे बादशाह मैनू तू दर्शन दे मैं तेरे डेरे आवा मैं तेनू मिला कदे ध्यान आए कदे भी नहीं। जब तक उहदे नाल प्यार डिवेलप नहीं हुंदा उतनी देर तक मुलाकात नहीं हो सकती जी। करनी कर कर सुरत चढ़ाओ शब्द मिले अनुभव घर पाओ। देखो की करे कोई लंडिया च नहीं बोल रहे संस्कार कृत नहीं कोई इंग्लिश नहीं कहते करनी करनी करके सुरत चढ़ाओ और फिर उस सुरत नू अनुभव विच लेके जाओ शब्द जरिए अनुभव एवं खुल जाएगा। करनी करनी पई चौंकड़ी मारनी पेगी सतगुरु नू याद करना पेगा ये करनी है। मुसलमान लोगों ने गुरु महाराज ने गुरबाणी च लिखा पंज नमाजा वक्त पंज पंजे पंजे ना पंजा पंजे नौ पहला सच हलाल दोए तीजी खैर खुदाए चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सुनाए करनी कलमा आके तो मुसलमान सुनाए यही करनी स्वामी जी कही जा रहे करनी कर कर सुरत चढ़ाओ। सुरत ने कदों चढ़ना जदों असी करनी करांगे केड़ी करनी कलमे दी शब्द दी करनी करनी पेगी
बैठना पड़ेगा शब्द नु पकड़ के इत्थे, फिर शब्द सानू उपर खिंच खिंच के लेके जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि वो तो प्रेम मांगता है। दसम पातशाह ने की क्या, सच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। भई ये प्रेम का मजमून है, स्वामी जी भी कह चुके पहला, प्रेम दे जरिए वो जेड़ा सीत तुहाडा उतर जाएगा। जिस सीत ने तुहानू खा लिया है, वो सीत कदों उतरेगा, जो तुहाडा सतगुरु ने प्रेम बनेगा। प्रेम का तो ना निशान नहीं, इतों छुट्टी मिलेगी, पांच मिनट नहीं लगने, जब उडंतर पता ही नहीं कहड़े वेले घर चले गए, भी तू कहड़े राह आया सी, किधर नूं जाना, कोई नहीं पुछता। प्रेम तो ऐसा है कि उदे बगैर जान जांदी, अगर तू ना मैनू मिलिया तो मेरे प्राण चले जाने, मैं तेरी उड़ीक च खड़ा सुक रहा है, मैनू पावे अन्न ना पानी, मैनू अन्न पानी चंगा नहीं लगता। ये है प्रेम। मगर प्रेम तो असी रुखे सुखे होके तुरे फिरदे। लुधियाने एक महात्मा हुंदा सी, सत्संग दिंदे हुंदे सी, ग्रेट मास्टर ने उन्हां नूं आग्या कीती हुई सी, बड़ा इंटेलीजेंट सी। वो कहना हुंदा सी, असी सत्संग ही नहीं, असी टंगी हां, असी एक टंग दे जरिए ही इस अडंबर दे विच फसे हुए हैं, होर तां कोई गल नहीं। सत्संगी होइए, सत दा संग करिए तां होइए, कदे सत दा संग होया भी है, सत्संगी कैसे? सत्संगी बड़ा उच्चा वर्ड है। जब असी सत दी संगत करेंगे, सत केड़ा है? शब्द है, बाकी तो सब सत है। उस शब्द दे नाल जिन्ना असी मिलांगे, रलांगे, जुड़ांगे, तद असी सत्संगी बनेंगे, वरना नहीं। ए लिस्ट ही ना है भी फलाना सिंह टमकाना सिंह हो रहा, एने हो गए जी, 12 लाख हो गए, 13 लाख हो गए, उहदे च जाण वाले कितने ने? उह तां सतगुरु दी इक दयालता है, बिरध दी लाज रख रहा हो कि मैं ये सिर पर हाथ रखा सी, मैं इन्हू सचखंड ले जाना, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं तुर दरबारा, मैं तेनू मैं लैके जाऊं, तेरे को नहीं होनी। जे तू कहे भी तू कर ले, तेरे बस का मजबूर नहीं। सब तो आप एडमिट कर रहे हैं कि अगर तू जान जोगा होता हूं तो कदे मैनू याद ना करता, तू तो करोड़ा साल का इतने आया होया, मैनू तेरी सुरत तू दुखी रहे हम जाने। फिर कहने राधा स्वामी रूप धरा मर हुए जीव चताई, उन्हें नर रूप जिस वक्त इन्हू कर्मां दे थपेड़ियां दे विच वेख्या भी रोली पई है, कदे कुत्ता है, कदे गधा है, कदे बिल्ला है, कदे मनुष्य भी है, तो ब्रोकन पॉटरी ऑफ मैनकाइंड, कोई लूला है, किसी नूं पोलियो होया, किसी नूं कुछ होया। अगर साडा शुभ कर्म हुंदा है ते तद सानू चंगे घर जन्म ना मिलता, सानू सतगुर पूरा ना मिलता, सानू सेवा का अधिकार ना बख्शता, साडे घर ना उन्हू असी सद के लिया। मगर कितनी देर, पुत्र कलत्र ना संग तरह हर अविनाशी हो। असी एक जगह लिखिया गुरु महाराज की बाणी दे विच, बहु परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा प्यान लुटावे। बड़े परपंच करते हो साडे, बड़े परपंच, ये परपंच ही और क्या है कि हमारे पास पता नहीं क्या है, ये जीर्ण रोग है और तो कुछ नहीं। किन्ने परपंच करके प्राय धन ओदी जेब चो कढ़न लई यतन करदे कि उत्थे पिया तू आ मेरी आ, उन्हू 100 मतलब चालां असी करदे कि वह नोट मेरी जेब च आने चाहिए, फिर उन्हू करदे कि घर जाके लुटा दे, लै भगत नहीं आज तेरे लिए इन्ने रुपये लियाते, तू हुण जिन्ने मर्जी सूट चक, तू सोसायटी जिवें मर्जी बन ठण के जाया कर, की बनया? कुछ बना। आखिर छुरी किस किस दे गल ते, जिहड़ा परपंच करके लिया उहदी चलेगी, दूसरे दे तो नहीं चलेगी। सो ये सब गुरु महाराज ने इतनी ढंग नाल सानू उपदेश किया कि कोई कसर बाकी नहीं, मगर जदों असी कमी वेखदे साडे च मिलती है। गुरबाणी कसवटी है, उत जद मर्जी अपने जीवन नू लगा के तुसी वेख लो, उस वक्त कमी जो दिसेगी साडे च दिसेगी, असी झूठे होके उठांगे उठां। तां ते गुरु महाराज प्रेम मंगदे है, प्रेम दे जरिए तू मैनू धारण कर, सह योग दे जरिए इथों अपनी सुरत नू उठा के सचखंड चलो। तेरा देश तेरे रहण दी जगह, मेरा कले दा नहीं, मैं भी उथों आया, तेनू भी ला चल जी। बिना शब्द अनुभव नहीं होई,
कहते बिना शब्द अनुभव नहीं होई और शब्द बिना समझे नहीं कोई अनुभव बगैर नहीं समझाने शब्द की पकड़नी होनी अनुभव खुलना नहीं अनुभव तद खुलेगा अगर शब्द फड़ांगे शब्द जरिए कहते अनुभव खुलूगा अनुभव बगैर तेन समझाने सौ गल्ला करी जाओ सौ गल्ला दा कोई रिजल्ट नहीं जीरो क्योंकि अनुभव नहीं वो कहेगा मैं ना मानू क्योंकि मैं देखा नहीं जब तक मैं देखता नहीं अपनी अखां दे जरिए अपने अनुभव सतगुरु नू बैठिया देखता नहीं उतनी देर मैं कहना पता नहीं ठगी ना होंगी हो मैं लग्या था 100 रुपया इतने रख आ पता नहीं आपके घर ले जाऊ फर्क की करूं उन्हें की करना गुर नहीं भूखा तेरे तन का उन पे तन है भगती नाम का वो तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दलो उन्हें की करने नोट वो तो कहना तू आप मेरे भी चक्कर ले जा मैं की करने है तू इत रखते ते जे मैं तेरी जेब चो कट के इतने पाले तो की प्रॉफिट की निकली गल की कख भी कुछ भी नहीं तू भी नहीं डजाने मैं भी नहीं डजाने इतने रह जाना गुजरान है दो फुलके मिलने किसी ने एक टाइम मिल जाना किसी ने दो टाइम दो दो मिल जाना नहीं गल तो इतनी है तू तो फर्क है नहीं कोई नहीं जी सूरत शब्द दो रूप अमोला सुन चढ़े जैन निजगार तोला भाई सूरत और शब्द दोनों अनमोल चीजा ने जिन्हें अपनी सुरत न शब्द के नाम लगाया कहते उस अनमोल अवस्था उस स्थान जिसका जिक्र ही नहीं हो सकता जबान द्वारा जिथे लखा सूरज करोड़ा सूरजों का प्रकाश है उस स्थान ते ले जा सकता उस शब्द कोई निकी मोटी गल है जे निकी मोटी गल होंगी पहली जमात के न्याणे वंड दिया कर मगर पूरे सतगुरु के हथ कुंजी रखी है गुरु कुंजी पहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े और न कुंजी हथ हूं वो कोई निकी जी गल है कोई पेटी की चाबी तो नहीं भी उ चार तोले सोना पिया भी तू लै ली उत तो करोड़ा सूरजों का प्रकाश का अगर पहरेदार कोई है तो गुरु है सतगुरु है इन्हें कुंजी लाने अनुभव खोल देना कैसे होगा जब तक सतगुरु की रहमत की वर्षा नहीं हुई उतनी देर अनुभव नहीं खुल सकता चाबी की जरूरत है चाबी सतगुरु पूरे को रखी वो चाबी बरदार है सतगुरु नू ही मालक ने उस खजाने का अधिकार दिता है कि तू जिन मर्जी लिया जिन मर्जी बन भाई माया जो है ये सारी जितनी भी ये दौलत पदार्थ का जिक्र स्वामी जी करते ने ये मालक दी है एक वर्तावा है उन्होंने करछी फड़ाई है कि करछी ने मेरा माल वरता दे अगर वह समझदा अपने आप न तो ही इज डैमफुल उदे जा मूर्ख कोई नहीं क्योंकि वह जबानी एवं कहता मैं खुदा मालक दी सारे लंगर तो मालक दे लांगरी किसी ने बनाया भी आ कड़छी ला ला आ जड़ी संगत आने दे दी वंट दी तू रखना नहीं माल मेरा जोड़ा बाकी बजू इत जमा करा लिया आगे तो मालक कैसे बन गया मालक तो है ही नहीं मालक तो मालक है उस सतगुर पूरा कह लो उन्हू मालक कह लो कुल मालक कह लो जो मर्जी कह लो दे तो नहीं दे दे विच उन्हें कुछ तमाशा एक रखा उसकी रहमत है क्योंकि ये वाय मीडिया ये दे है सरगण रूप दे अंदर ही आके वो कह सकता तभी कह प्रभु जी बसे साधु की रसना साधु की जीव ते बह के उपदेश करता है फिर यदा भाव कर देता है जल तरंग और फेन बुद्ध बुदा जल ते पिन ना हुई पानी एक है जल दी तरंग मतलब लहर उत्पन्न होंदी है और उदे च बुलबुले भी बन दे और फिर वो पानी हो जाता कहने इदे चो सोना है सोने दे गहने बना लो तद भी सोना है सोने नूं ढाल के डली कर दो तद भी सोना दया नाल लेके जाई एवे ना जाई उत्थे नहीं तो किसे ने तेनू अंदर बढ़न नहीं देना तेनू सियानना नहीं उसकी दया की जरूरत है जेडे इस सत्कार दे काबल हो जाते उन्होंने सतगुरु ने ऑर्डर कर रखे कि तू अधी रात भी आ जाई मेरे को तेरे भी दरवाजा खुला बाकी नहीं उत्थे पहरे पाए हुए केड़े पहरे ने आही चौकीदार अगे आ जाता दसन गए कि निंदा चौकीदार बिठाई वो निंदा आपकी दस दे एक कर्म कोई माड़ा जा कर दिता यह निंदा कर करके
सत्यानाश आओ दाप ही कर लेंगे। वो वज्र पाप है, उस पाप नु तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सतगुरु की निंदा आप ही कर देंगे। रामायण दे विच उत्तरकांड जदों पढ़ने काग सुनने गरड नु की कथा सुनाई कि मैं आपदे सतगुरु दे आगमन च आदर दे विच उठ के खड़ा ही नहीं होया ते मैनू शिव जी ने 100 जन्म काग दे दते। कहना तू कुते ऐसा जा कुछ ना कर बैठे, कुछ नहीं किता, खड़ा नहीं होया। एक श्रेयनेस है कि मैं पता नहीं की चीज़ा तू होएगा। उन्हें सतगुरु ने जानिया नहीं, मनिया नहीं कि ये तो मेरी जाना दी जान है, ये जरिए खंड ब्रह्मांड खड़े हुए ने। मैं अपना आप निछावर भी कर दिया तो कुछ भी नहीं की कर लिया ने। उदा बख्शा होया शरीर आए है, जे उदो तो लुटा भी देगा, हथा ना कुछ सेवा भी करेगा, ता की करता शेर मारता। नहीं नहीं पल्यो की दिता, कुछ भी नहीं, सिर्फ करनी है उदी दया दे जरिए। कहते वो दया नाल लेके जाना, तद तेरा अनुभव खुलेगा, नहीं तो खुलना नहीं। जी मेहर दया करनी करवाई, करनी करबो मेहर बड़ाई। उन्होंने दया मेहर के जरिए करनी करवाई। जदों करनी होगी फिर कहते बड़ी वड्डी वड्याई है। क्योंकि जिस वक्त भी संत महात्मा नु सतगुरु का दर्शन होया, उन्होंने कहा मैं आपा तेरे तो वार दिया। जीवे मेरा मुर्शिद बाहु, जिन्हें बूटी लाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाया, जब फुलन पर आई हूं। फिर ये पोजिशन बनी, एवं तो बनी ने उदी दया नाल बनी। ईद कुल कितों बन सकती सी, ये बना सकता सी। फिर कहना तू तन है ते मैं तेरे तो कुर्बान, तेरे वर्गा कोई नहीं। मैनू तू चरणा ला के गदगद कर दिता, मेरे विच बैठ के मेरा स्वरूप लैके तू इना कुछ मैनू संगत दे विच दसदा तुरिया फिरदा, तेरे वर्गा कौन हो सकता। कोई भी नहीं, तेरे वर्गा तू ही है। कबीर साहब ने कहा एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा वही कहे कबीर बछार। इको ही है ना, वो शब्द कोई होर तो नहीं। शब्द कितने बैठ के भी जिथे रंग बाग लगते नजरे नू आउंदे उत्थे शब्द है, होर तो कुछ नहीं। उन्हें कड़ा रहना है, वह भी शब्द विच मर्ज हो जाना। क्योंकि जल तरंग और फेन बुद्ध बुदा जल ते पिन ना हुई, समुन्द्र दे विचों लहर उत्पन्न हुई, खड़ी हुई ते समुन्द्र च समा गई। वह समुन्द्र है, उहदा नां ही है, यह बुलबुला है, वह लहर है, वह समुन्द्र है। वह सोना ही, सोने दे ऑर्नामेंट बन गए तो सोना है, ऑर्नामेंट नूं टाल के डली कर दिती तद भी वह सोना ही है। सोना तो सोना रहेगा, शब्द शब्द रहेगा, होर इसके बगैर कुछ भी नहीं। जी करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। करनी और रहमत दोनों कट्ठिया कहते चल दी है, फिर चढ़ चढ़ के उदा रहमत जड़ी है होर मिली तो जा रही, दोनों कट्ठिया चल रही है। स्वामी जी महाराज ने अभ्यास किए एडे हाइट दे, गुरु नानक देव जी ने जग्यासू के ए वड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। जे तू वेखना चाहना भी ओके हो जाए, चल पहला इन्नी ऊंचाई ते, करने दे जरिए उत्थे चल के देख, फिर तू आप ही वेख ली, फिर उदी उपमा कर सके तो कर ले भी ओके हो जाए। कितना को वड्डा पुछया ना जी, तुसी एडी सिफत कर दे, वो है किड्डा। उदा जवाब यही है कि बई ए वड ऊंचा होवे कोय सूचे को जाने, मैं नहीं दस सकता क्यों जाने। तू उथे चल चल के उन्हू आप ही वेख ला, निर्णय करके दस दी भी वह किडक है। मैं नहीं कह सकता, मेरे पास का काम नहीं, मेरी जीव कह नहीं सकती, मेरे को अक्षर नहीं कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर सकता। जी अस संयोग माज से होई, मौजे पाओ नहीं अब कोई। ऐसी अवस्था भी कहने कदों होएगी, जदों मौज आ गया। जदों मौज आ गया उस वक्त कतरे से दरिया कर दिया,
ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨੀ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜ ਚ ਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜ ਚ ਹੈ ਕੈਸੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਚ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਬਗੈਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਪਾਚ ਪਾਚ ਥਕ ਥਕ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਮੌਜ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਚ ਪਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੌਜ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਮੌਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਉ ਕੁਛ ਮਨ ਮੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚਿਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਨ ਸਮਝਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਰਾ ਜੀ। ਜਬ ਜਬ ਸੰਤ ਜਗਤ ਮੇ ਆਵੇ, ਢੂੰਡ ਪਾਲ ਉਨਕੇ ਡੰਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਕਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਪਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰਨੀਆਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਥੋਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਗਿਰੇ ਉਨ ਚਰਨ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਵੀ ਡਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਨਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨਕੀ ਕਰਤੇ, ਮਨ ਸੇ ਦੀਨ ਲੀਨ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਬਸੇ ਬਨਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਸਰੀਰ। ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ 100 ਮੀਲ ਤੇ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਧਰੋ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਜਾਇਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬੜੀਅਤ ਸੰਤ ਕਰਾਵੇ ਨਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੇਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ
कहते वो तो नेड़े नहीं लगन देना, उन्हें कुछ ऐसा काम कर लेना जिदे जरिए तू आप ही निंदा उदी करके वो तो भज जाएगा। निंदा चौकीदार बिठाई हरेक बई उथे वड़ ना जावे, उथे फेत करना पेगा। उदी अंदरली करनी नू साडा मन साडी बुद्धि जाच नहीं सकदी भी वो कित्थे है। उत्ते दृढ़ विश्वास करके असी सुरत शब्द मार्ग च लगे रहने, पटक नहीं जाना भी उन्हें बड़िया कोटेशन वधिया दित्तिया सी, नहीं ये मजमून करनी दा है। ये करनी का भेद है नहीं बुद्ध विचार, बुद्धि का तो मजमून ही नहीं, बुद्धि तो उत्थे लग ही नहीं सकती, वो तो फीता ही नहीं है उत्थे लगन वाला है। उन्हें अनुभव च ही फील कर सकोगे, जब अनुभव च वो आंदा नहीं, अनुभव च कोई दसदा नहीं, उत्थे पिछे हट जाओ, छोड़ दो रास्ता, बोला वहां नहीं है कुछ भी। निंदा चौकीदार बिठाई कोई जीव सुने नहीं पाई। हम कहते निंदा तो उन्हें चौकीदार बिठाई हुई है, वे कोई जेड़ा वो डिजर्व नहीं करता वो जीव अंदर न बढ़े। ग्रेट मास्टर डलहौजी सत्संग करया करदे सन, उत्थे नुक्कर ते जिथों दी रस्ता सी गड़ी सी कोई, उत्थे इक पंडित सी, वो आपदी पत्रियां पुत्रियां बनाउंदा रहिंदा। जो संगत जांदी उहनूं कहिंदे उह किधर जाने हो, तां ठग है बंजारा है, तुसीं किधर जाने। ते संतां नूं जा के उह संगतां ने शिकायत भी कीती कि महाराज जी उत्थे सानूं उह बंदा आता है। कहिंदे भाई असीं चौकीदार बणाया सी, तुसीं उहदी परवाह ना करो, आ जा करो। ते जेड़े भजन वाले उन्होंने भजा देना, उन्हें असी आप ही पाया हो, तुसी चिंता करने की लोड़ नहीं, वो असी आप ही बिठाया है उते, हरेक ना आके बढ़ जाए। क्योंकि संतां दे सत्संग दे विच आके जेड़े मनमुख बंदे ने उदी निंदा करन लई बड़ा कुछ उते अडंबर रच जांदे ने, होर कुछ नहीं, जुत्तियां चार चक के लै जाने कि आपे रौला पैंदा रहे भी जी उहदे च कोई करनी सी जुत्तियां चो चकनो क्यों ना सानू हटाता, कोई बहाना ही चाहिए ना। उन्हें अपनी निंदा करवा लेनी है, जोड़े तो होर भी किसी नूं लैके दे सकदे, किसी भगत नूं जेड़े कर सकदे दान कर सकदे, उन्हें कह दू चार जोड़े इन्हां नूं लै दिंदे, कोई फर्क नहीं पैंदा। मगर निंदा तो होगी ना, उन्हां नूं निंदा दा फल दे दिता उन्होंने, आ चको भजाता उन्होंने, कारिया तो उहदा रुकना नहीं। उहदे इक दे कहण नाल कोई बंदे हट जाणगे, बथेरे यतन असी आ पंजां छिआं सालां च बड़ा तजर्बा कीता, गुरु महाराज की दया कृपा द्वारा असी तुरे जा रहे। उही बंदे विचले जिहड़े हुंदे उहनां दी बुद्धि प्रेरणा करके होर पासे ला दिंदा। कबीर साहब मित मंडल ते आए, वर्मा नूं कहा कि तैनूं मैं सचखंड नाल जोड़ दिंदा, सतपुरश नाल जोड़ दिंदा। उह कहिंदे जा, कई तेरे वर्गे मैनूं जोड़न वाले आए, सतपुरश कौन है, मेरे जहां तो कुछ है ही नहीं, तू भी एवं झूठाइया जा तुर जा। इतने इतने महापुरशा नाल इत्थे आके ये गल वरती है, तो साधारण व्यक्ति की की गल कह सकते हो। ये अज कलयुग का समय, ये तो सतगुरु पूरे की दया के जरिए ही ये कुछ चल रहा है, वरना ये तो एक मिनट नहीं लगता जब बंद हो जाता है। मगर उन्हें बंद भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सतगुरु का काम है, उन्हें अपने काम नु आप चलाना चाहिए, उत्थे कुछ भी नहीं। स्वामी जी महाराज का जिक्र है कि वो समय नियुक्त दे टाइम ते उस वक्त कहंदे सी भाई अब जो आ चुके गेट बंद कर दो। एक दिन उन्हें एक व्यक्ति नु ही सत्संग पूरा दिता कि एक ही बहुत क्या कर रहे इतने, क्योंकि बोर्ड ने तो बोर्ड लगाना है, बोर्ड ने तीले तो नहीं लगाने, एक बोर्ड लग गया उहदे ते हजारां पंछी आराम कर सकते, की करने इन्ने तीले तीले, उहदा कोई कम है, उहदा कोई प्रयोजन है, उहदा कुछ भी नहीं। गुरु महाराज फरमाया करदे सी विरली ते बूटा कणा, जिहड़ी फसल विरली है उह एडे एडे पौधे होणगे भारे, जिहड़ी सघनी है उह तीले तीले रह जाणगे, उहदे उत्ते ना फल लगे, एवें खड़ा एग्जिस्टेंस है उहदी भी, आ सीधा जी बीज जाए ते उहदा झाड़ की है कुछ भी जी। मेरा जीव होए अनुरागी निंदा से
वेले जीव ने कहने ते निंदा सुन के सब ही भजन नू तैयार ने छड़ यारे ते की जाना ओ, मैं तुहानू कह दू तुसी गा होर चाहो नू कह दोगे उथे उनू मेला विजन की कोशिश करते ने भी इतने कोई जावे ना बंदा वो आदे सानू लोड़ ही नहीं असी की कहने टुकड़े खाने वाले सानू नहीं चाहिए सानू भगत चाहिए जेड़ा साडी उपासना करे असी सतगुरु नाल नू जोड़ दिए जी निंदा सुन सुन चित नहीं तारे संतन की है जुगत विचारे जे हुन जेड़ा जिज्ञासु ओ समझदे मेरा सतगुरु तो मेरी जान है वो कहंदे निंदा सुन के उस गल दा असर नहीं करते उस गल नूं विचारदे ने कि मैनू सतगुरु ने जो गुरमंत्र दिता है मैनू सचखंड दा अधिकारी कीता है उहदे निंदा दा असर नहीं करते वो अपने सतगुरु की उपासना हर समय के स्वरूप का ध्यान करते उहदे गुरमंत्र की उपासना करते अंदर ही जुड़ते अगर कोई गल नहीं भी समझ आती तो सतगुरु अपने अगे फरियाद करता है कि इस गल की मैनू शंका उत्पन्न हुई सचे पातशाह मैनू दया कृपा करके मैनू दसो वो अंदर ही दस देगा सुपने च दस देगा कि अधिकारी नहीं बई तू उथे नहीं जाना वो आप ही दस देगा कितने जाना दसेगा वो ना दसने वाली क्या बात है क्योंकि उन्हें अपने सतगुर सिख की करे तिरत पाल सेवक को गुर सदा दयाल उहदी पालना नहीं करनी उन्हें करनी है यो जननी सुत पालती रखे नदर मजार अंदर बार ग्रास दे छिन छिन पोचार जे त्यों सतगुर सिख राखता कर प्रीत प्यार जी ये पंजग्रही महाराज जी एग्जाम्पल बहुत दिंदे होंदे याद रहिंदे ओ हिरदे दे विच ओ जिहड़े शब्द उहनां दे इतने गहराई विच उतरे पए ने कि जद मर्जी उहनां नूं वेख लो जी जस जाने तज मन समझावे संतन सन्मुख ज्यों त्यों आवे तू अपने मन नु समझाई रखना जैसे भी है संतों कोल जाके अगर मन टिकदा नहीं इस गल नु विचार ते दीन उन्हां दे करे और उन्हां तो दया लियावे कि सच्चे पातशाह गल आई सी मेरे तो दया कृपा करो मैनू इस जलन जो कड़ो जी ऐसी दृढ़ता जा कर होई तो फिर संत मौज कर सोई जदो इन्नी दृढ़ता बन जावे संत मौज दे जरिए जो कुछ करनगे उन्हें पसंद आ जाएगी क्योंकि मौज ही ऐसी होगी जिहड़ी इहदी फेवरेबल होएगी इहदे ही बेनीफिट वास्ते होएगी वो आए होर किस काम है उन्होंने कुछ जीव जिहड़े अपने चुन के लै जाने पिक एंड चूज करके इत्थे नहीं छड़ना उन्होंने जिहड़ा अधिकारी उन्हें सचखंड पहुंचा के छड़ना जी संत मौज फिर कोई ना टारे ईश्वर परमेश्वर सब हारे जदों मौज होगी उहदी कहिंदे ईश्वर केड़ा ए नरंजन परमेश्वर ए दसवें द्वार वाला महाकाल जिथे जाके अविनाशी पद तक कहते वह भी नहीं टाल सकते संतान की मौज किवें टालणगे वो सचखंड के वासी ने सचखंड के मालक ने कुल मालक ने अविनाशी पद तो पार जाके राम राय पद च लीन होंगे स्वामी पद च लीन होंगे ने जी दोहा दोहा संत डारिया बीज कट तरती जे जीव के को अस समरथ होए जो जारे इस बीज को की फरमाउंदे ने जद संत आउंदे ने वो घट धरती जड़ी है जीवां दी ये जड़ा हिरदे उन्हों घट धरती क्या कहने उहदे च बीज पा दिंदे जड़ा उन्हां दी शरण आउंदे उन्हों नाम दी बख्शिश कर दिंदे ने फिर अगे की कहंदे ने जी
कोई काल के महे भी जायंकर गए। जब जब आवे संत अंकरियम संग्रह बड़ी फेकी कर देने सत्संग रूपी पानी जो तो लगदा उन्होंने कुछ कु समय के मैं ये बीज जा अंग करके बीज पे फुट पाता ना वो चो निकले होंगे शगुफा निकलता है वो किस तरह सत्संग के जरिए जब जब आवे संत अंकुरी उन संग रहे संत मौज वर्त आ जाते चोला छड़ जाते ने फिर जब होर कोई चोला धार करके सचखंड तो कोई साधु आंदा है फकर आंदा है वो फिर जद आंदा है वो जिहड़े अंकुरी जीव उन्होंने नाल खिंच लैंदा है वो फिर उदी सभा दे विच आके मिल जांदा है वो बिरथा नहीं जांदा बीजा जिहड़ा पाया होया कहिंदे कोई ऐसा समर्थ होए जो जा रहे इस बीज को उस बीज नूं साड़ नहीं सकदा कोई घट धरती दे विच पाया समा लगेगा कुछ क समय के माए ये बीजा अंकर गए वो फुट पाएगा कदों जो सत्संग रूपी पानी की वर्षा होएगी उस वक्त उन्हें फुट पड़ना और जो फुट गया चाहे वह संत मौज वरत आ गया जो दुआ आएगा वह पूरी जीवन को खत्म कर देगा होएगा वही लेकिन उन्हें मौज वरताई है चोला बदले उन्हें भगत वह पेड़ सम फल लागे अत से सरस हो गए सतगुर मेहर से। हुण सतगुरु दी मेहर हुई हुई वो बीज पै गया उस बीज नो जेड़ा होर कोई चोले च संत आएगा चोला धारण करके उन्हें जीवा नु कोरिया नु खिचेगा फिर वह सत्संग रूपी वर्षा उन्हें फिर करेगा फिर वो बीज अंकर तो पौधा बन जाएगा और फिर उन्हें फल भी लगन गए और होएगा किवें सतगुरु की दया कृपा द्वारा ही होना है जी। कारज कीना पूर संत पूर हृदय करी पूर हुआ मन चूर मोर तूर कट में प्रगट कहते ही कारज पूरा होएगा जेड़ा सूरमा बने बैठा सी ना ये मन ये कहने चूर करके रख दिता क्योंकि संतां दी रहमत दी जद वर्षा हुई नाम ना जुड़िया उस वक्त उहदा रूप उन्हें बना के रख दिता है। महला पंजवा महला पहला आद ग्रंथ पन्ना 1290 कर में कर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी है अगम्मी बाणी बोली उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दे विच श्री राग मुख राग है सब तो पहला वो चढ़ी है उदे विचों शब्द की फरमाउंदे ने करमे कर दिखलाए दे सो सतगुर पुरख सजान। पंच शब्द तुन कार तुन तय बाजी शब्द निशान उत्थे निशानियां दसियां ने असी मनमत द्वारा बारहवीं खाम खा झगड़े कर रहे किसी ने अमृत पान कर लिया वो दूजे ते क्रिटिसाइज करना शुरू कर लैंदा है मगर गुरबाणी है गुरु नानक देव जी महाराज की तस्वीर नूं धूप बत्तियां करदे हैं जिन्हें उन्हों का स्वरूप देखा नहीं वो दे अंदर कैसे आएगी गल गुरु महाराज का कथन है बिन वेखे को कैसे ध्यान जिन्हें वेखे नहीं तो ध्यान कैसे करेगा। पंचम पातशाह ने कहा कि गुर की मूरत मन में ध्यान गुर के शब्द मंत्र मन मान इतने कहते ने घर में घर दिखलाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। इस घर के अंदर कोई होर घर है जिहड़ा कहिंदा उहनूं विखा सकेगा वह सुजान पुरश है। ये हुण किसे कोई सदान पुरख की तां बाणी आखी हुई नहीं है इस घर के अंदर उस घर के अंदर नहीं जिस उत्थे बह गए चौधरी बन के मंजा पलक डाह के भी आ मैनू आख्या उहने इशारा कीता नौ आ घर इस घर के अंदर होर घर है कहिंदे जिहड़ा उहनूं विखा देवे
वो पुरख सुजान है। ये सतगुरु की वड्याई है, परंपरा चली है आ तो, ये तो एक हुक्म की पालना है, सेवा है, गांधी गां चल रही है। जे कोई व्यक्ति ये कहे भी मैं महापुरुष तो ही डज नॉट नो द एक्चुअल थिंग, उन्हें पता नहीं उस गल का। एक आद तो लेके जिहड़ा शब्द चलिया उहदी कार्रवाई है। शब्द ही सदा रहा, शब्द रहूगा, शब्द ही हुण प्रिवेल कर रहा है। आ देह तां सत है ही नहीं, असत है। अश्वास की तार जिस वक्त चली गई इन्हू छड के, उस वक्त असी आप ही चुके शमशान घाट लै जाने, तो सत कैसे होया? सत तो नहीं, सत तो सत है, कौन? शब्द। गुरु नानक देव जी महाराज नू सिद्धा ने सवाल किया कि कवन आरंभ कवन मत वेला, कौन गुरु जिसका तू चेला, कि किड़ा वक्त है, कितों आरंभ तेरा होया, कौन आरंभ कवन मत वेला, केड़ी मत लई, किस वेले दी मत तू लई, जिदे जरिए सब कुछ होया। ये सानू समझा राय ने कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गल मुकाई कि पवन आरंभ, पवन जिस वक्त शरीर च श्वास दे रूप दे विच आ जाएगी, मतलब भाव शरीर हो जाएगा, उस वक्त सतगुरु का शरीर भी होना है, क्योंकि सतगुरु की मत लैनी है ना इन्हें। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना डूबे बहुत सहने, उहदी मत लै। वो फिर केड़ी मत? सतगुर मत वेला। वेला केड़ा? जदों सतगुरु की मत नहीं, जदों को नाम लिया। उस वक्त देहां तो दो ही दसती है ना, क्योंकि दोनों च ही श्वास चल रहा है, पवन चल रही अंदर, पवन के जरिए असी जी रहे। जदों पवन श्वास साढ़े बहर हो जाएगा, उस वक्त मृत्यु हो जाएगी। पवन का चलना ही पवन आरंभ सतगुर मत वेला, सतगुरु की मत लई ये वेला है। हुण अगे की दसदे ने, शब्द गुरु। शब्द केड़ा? जिहड़ा सानू लाइफ गिविंग स्ट्रिंग है, जिहड़ी आकाश मार्ग दे विच होंदी हुई साडे थर्ड आई ते आ रही है, वो साडा गुरु। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, साडी आत्मा जिहड़ी है वो चेली है साडी। सतगुरु की मत दे जरिए उन्हें कहा भाई भाई, इस डोर नू जिन्हू सिल्वर कॉर्ड कहंदे, जिन्हू आकाशवाणी कहंदे, जिन्हू शब्द कहंदे, वो साडा गुरु है। तो साडी सुरत जो आत्मा है वो साडी चेली है। यही गल कह रहे ने कि शब्द जरिए ही उस घर नू वेखना जाके, अगे निशानियां दस देंगे। सो गुरबाणी दी लखता या गुरबाणी दी एक्सप्लेनेशन पूरे सतगुरु तो बगैर हो नहीं सकते। पूरा सतगुरु दे नहीं है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। उस शब्द नू जदों असी सुरत दे जरिए पकड़ांगे, असी सचखंड जावांगे, होर कोई राह नहीं। जी पंच शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द निशान। हुण अगे एक्सप्लेनेशन देंदे ने, पंच शब्द तुन कार तुन, उत्थे अनहद शब्द करके क्या, इत्थे पंच शब्द तुन कार तुन, वो आवाज सलीशील म्यूजिक दी जड़ी पंजां शब्दां विच आ रही है। पंज नाम, पंज स्थान, पंज स्वरूप, ते पंज ही उहदे आवाज़ां वी, पंच परवान, पंच प्रदान, पंचे पावे दरगा मान, पंचे सोए दारा जान, पंचा का गुरे एक ध्यान। 25 हो गए, 25 जपजी साहब जड़े लिखे उहदा जिक्र कर दे। पंच शब्द तो तार कोर बजंतर तय साच तख्त, चलो सुल्तान दा तख्त जिते उत्थे तार दा म्यूजिक हो रहा है। किथे? दसवें द्वार च किंगरी सारंगी वज रही, दस रहे उन्होंने, क्योंकि पूरी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है जदों सतगुरु कोले शिष्य जांदा उह सारी एक्सप्लेन करदा, इत्थे इशारे दसे कुछ विचों गुप्त कर लैण, क्योंकि बाकी उत्थे मिलेगी। क्योंकि पंज नाम, पंज स्थान, पंज ही उहदे सरूप, ते पंज ही उहदियां आवाज़ां, ते 25 जिहड़े 20 बने, 20 दा सरूप जिहड़ा है उह सतगुरु है। उह विखाओ, साफ तो क्या होया, कुछ शक वाली कोई गल नहीं, मगर साडी बुद्धि चिकनी है, त्यासर होना नहीं।
ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਚ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗਾਡ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੋ ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਉੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਸ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੁਖਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲਾਏ ਅਕਰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਮਨ ਸਾਮਨ ਸਮਾਏ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲਾਏ ਜਰਾ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ਮਨ ਨਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲਾਏ ਸੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੇਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਇਹ ਮਨ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨ ਚ ਤਰੰਗਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਜਾਈ ਜਦ ਤੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਲੀਸ਼ੀਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਲਟ ਕਮਲ ਅਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਨ ਕਤੋਂ ਜਾਏ ਅਜਪ ਅਜਪ ਨਵੀਸਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸੁਮਾਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਊਟਨ ਲਾਈ ਸੁਣਦੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਥੇ ਉਰਦ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਮਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਨ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਮਲ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਮਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਰਦ ਕਮਲ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਅਜਾਈ ਦਿਖਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਨ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ ਅਜੱਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪ ਮਰੇ ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਸੁਰਤ ਸਵਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਜੀ ਸਭ ਸਖੀਆ ਪੰਛੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਕਰ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
जो सचखंड सतपुरुष का दर्शन आंदा सतगुरु के अंदर दर्शन आंदा है। क्योंकि इनू इंदुमती राणी की कथा जो पढ़ोगे तो कहती है कबीर साहब न सचे पातशाह तू तो कहना सी भी उ तेन सतपुरुष मिलेगा बैठा तो तू ही सी जे तू मैं पहला दस दिता मैं तेरी कोई सेवा कर दी। वो कहते तेन विश्वास नहीं आना सी मैं सतपुरुष इस करके तेन दसिया नहीं। हुण जिस वक्त उथे जांदा है इहदी आत्मा जानती है बारह सूरजां का प्रकाश लैके उहदा दर्शन करन वेले चार सूरजां का डिविडेंड इहनू मिलदा होर सोलह सूरज हो जाते उत्थे मस्तक दे उत्ते आपदे झलक इहनी हुंदी है। कहिंदे उत्थे जिहड़े हंस रूप हो के रूहां पहलों गईयां होईयां उह सखियां जिहड़ियां कहिंदियां सब उत्थे मिलदियां ने इहनू मिलाप करदियां ने। कहिंदे तू तन है मृत मंडल तो किस तरह तू अपना खेड़ा छुड़ा के इत्थे आ गई है उन्हों तन तन कर दिया ने और सतगुरु आले दुआले परिक्रमा कर दिया ने और फिर सतपुरुष दया कृपा करके एक अमर फल देंदे ने। उस अमर फल दी सब नू वरताया जांदा है और फिर हुक्म हुंदा है इनू कि हुण तू इत्थे पहुंच गई अलख अगम ते अनामी देश भी जाके वेख्या उस सतपुरुष आप दी कृपा द्वारा विखाउंदा हो जी। सब सखिया पंचे मिले गुरमुख निज कर वास सबद खोज कर लह नानक ताका दास। गुरु महाराज ने खीर विच कह दिता है भाई शब्द खोज के ये कर मिलिया जिन्हू ये कर मिल गया नानक ताका दास में उदा दास है। बेनती करते शर्मा करती दो कर जोरे सात पुरुष तुम सात गुरु दत्ता सब जीवन के पिता माता दयादार अपना करनी जे काल जाल से न्यारा कीजे सात जोग त्रेता दाप रवीता कल युग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए पौसागर से गुर गात चीना जग मग जोत होत जियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा सेत सिंहासन शतन बिराजे चरे आचर पारा बिनती करे जहां दास तुम्हारा लोक लोक पाऊं सुख धाम चरण शरण दीजे करूं बेनती दो कर जो
जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा स्वामी कर गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दार तो मेरे मता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा कौंडियां दा मुल नहीं सी पै गया जदों दा मैं दाता तेरे चरना चट पिया कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया जदों दा मैं दाता तेरे चरना चट पिया चौदा स्वामी बोल दिया मन दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दार तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दर दर रोल दिसा किसे ना संभालिया तेरे दर आई दाता गल नाल लालिया दर दर रोल दिसा किसे ना संभालिया तेरे दर आई दाता गल नाल लालिया क्यों नाम गुरु तो तन मनवारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दार तो मैं प्रेमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दुख देवे सुख देवे चोली विच पालमा जेड़े देवे दुख दाता सुखा च मिलालमा दुख देवे सुख देवे चोली विच पालमा जेड़े देवे दुख दाता सुखा च मिलालमा दुख वाली कड़ी नू मैं हस के गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दार तो मेरे मता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा वेख तेरिया रहमतानू अखा हस पईया रोंदिया
असी तेरे कौन लग दे जे रहमता ना होंदिया वेख तेरिया रहमता नू अखा हाथ पईया रोंदिया असी तेरे कौन लग दे जे रहमता ना होंदिया चंगे वेले सुन लिया साड़िया पुकारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा सहबा शुक्र गुजारा पाया तेरे दार तो मेरे मता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा 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 जामा मैं तेरी मिठी जही पुचकार दे सज के जामा मैं तेरी मिठी जही पुचकार दे मार के पुचकार सोनी डुबदे बेड़े तार दे मार के पुचकार सोनी डुबदे बेड़े तार दे सदके जामा मैं तेरी मिट्टी जही पुचकार तेरी जख्मा ते मरहम तर गई मिट्टी जही पुचकार तेरी जख्मा ते मरहम तर गई जख्म पामे होर दे दई पर जरा पुचकार के सदके जामा मैं तेरी मिठी जही पुचकार दे मार के पुचकार सोनी की बगाड़न गे ओदा तूफान ते नेरिया की वगाड़न गे ओदा तूफान ते नेरिया है खड़ा जो आसरे दाता तेरी पुचकार दे है खड़ा जो आसरे दाता तेरी पुचकार दे सदके जामा मैं तेरी लोड़ की है अंदर बढ़ के संख टलिया सुन दी लोड़ की है अंदर बढ़ के संख टलिया सुन दी एक बारी बार बैठा ही जरा पुचकार दे एक बारी बार बैठा ही जरा पुचकार दे सदके जामा मैं तेरी मिठी जही पुचकार तेरी है चौरासी कट दी मिठी जही पुचकार तेरी है चौरासी कट दी दोनों आलम हन दीवाने दाता तेरी पुचकार दे दोनों आलम हम दीवाने दाता तेरी पुचकार दे सदके जामा मैं तेरी सोच के ऐ दिल जरा अगे वधाई तू कदम जो तो को प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मोरी आओ सोच के ऐ दिल जरा अगे वधाई तू कदम उठे नहीं दहलीज तो मारे जो इस पुचकार दे उठे नहीं दहलीज तो मारे जो इस पुचकार दे सदके जामा मैं तेरी।
हसदा किसे नाल गल किसे नाल अख किसे वल सोनिया हसदा किसे नाल गल किसे नाल अख किसे वल सोनिया समझ की सकदा है कोई रंग तेरी पुचकार दे समझ की सकदा है कोई रंग तेरी पुचकार दे सदके जामा मैं तेरी मिठी जही पुचकार दे मार के पुचकार सोनी डुब दे बेड़े तार दे सदके जामा मैं तेरी राधा सोनी।